गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4, वाइल्ड एनिमल्स. ओके, नाउ व्हाट इज़ द वाइल्ड एनिमल, लेट्स बिगिन. इन क्लास टीचर सेज वी सी डॉग्स, काउस, कैट्स अराउंड अस. आपने अपने चारों तरफ बहुत से जानवर देखे होंगे, जैसे कि डॉग्स, काउस, कैट्स. बट हैव यू एवर सीन अ टाइगर, एलिफेंट और डियर नियर योर हाउस? क्या आपने अपने घर के आसपास टाइगर को, एलिफेंट को, डियर को, इनको देखा है? मीन्स हाथी को, चीते को और हिरन को अपने घर के आसपास कहीं देखा है? स्टूडेंट सेज नो टीचर, बट वी हैव सीन द पिक्चर्स. नहीं, लेकिन हम लोगों ने उसकी पिक्चर्स देखी हैं. द टीचर सेज टुडे वी विल लर्न अबाउट सम एनिमल्स विच लिव इन द जंगल. आज हम लोग उन्हीं जानवर के बारे में पढ़ेंगे जो कि जंगल में रहते हैं. सो वॉट इज़ द वाइल्ड एनिमल? मैनी एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट. बहुत से एनिमल्स क्या होते हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, मीन्स जंगल में रहते हैं. दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि जंगली जानवर. और जो हमारे घर में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड पेट एनिमल. जो हम लोग घर में पालते हैं, जैसे कि डॉग, कैट्स, रैट्स, हॉर्स, दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स. और जो जंगल में रहते हैं दैट इज़ कॉल्ड वाइल्ड एनिमल. ओके, दे मूव फ्रीली इन द फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट में क्या होते हैं? फ्रीली घूमते हैं, मतलब आज़ादी से घूमते हैं. सम वाइल्ड एनिमल्स लिव इन अ लार्ज ग्रुप लाइक टाइगर एंड जेब्रास, वाइल अदर लिव इन ए स्मॉल फैमिली ग्रुप. कुछ जंगली जानवर जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े ग्रुप में घूमते हैं, जैसे कि डियर्स जो होते हैं, हिरन जो होते हैं, वो उनका पूरा एक ग्रुप होता है जो कि घूमता है पूरे जंगल में. और जेब्रा, ये भी अपने ग्रुप में ही घूमते हैं. और जबकि दूसरे जानवर जो होते हैं वो अपने छोटी सी फैमिली के रूप में घूमते हैं, जैसे कि लॉयंस और टाइगर. ये क्या होते हैं? अपनी फैमिली के साथ ही घूमते हैं. नाउ व्हाट इज़ द एनिमल्स होम्स? अब देखिए इनके एनिमल्स होम्स कैसे होते हैं. एनिमल्स ऑल्सो नीड अ प्लेस टू लिव. एनिमल्स को रहने के लिए भी ज़रूरत होती है, जगह की ज़रूरत होती है. तो ये एनिमल्स कहाँ रहते हैं? दे ऑल्सो नीड होम्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डेंजर, एनिमीज एंड द वेदर. मीन्स इनको भी घर रहने की ज़रूरत होती है ताकि इनका प्रोटेक्शन हो सके, किससे? खतरे से, शत्रुओं से और वेदर से. जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास एक घर होना चाहिए जिसमें हमें आराम से हम रह सकें, जहाँ पे कोई ख़तरा ना हो, सुरक्षा हमारी, वेदर की कोई प्रॉब्लम ना हो. अगर पानी गिरता है तो हम अपने क्या होते हैं? अपने घर के अंदर होते हैं. इसी तरह एनिमल्स को भी एक अपने घर की ज़रूरत होती है. बर्ड्स यूज ट्विक्स, लीव्स एंड ग्रास टू बिल्ड देयर नेस्ट. बर्ड्स क्या करती हैं? बर्ड्स भी अपना नेस्ट बनाती हैं, मतलब घोंसला बनाती हैं. किससे बनाती हैं? छोटी छोटी पत्तियों के तिनकों से बनाती हैं, लीव्स से बनाती हैं, ग्रास से बनाती हैं. ये इनसे मिलकर क्या करती हैं? अपना घोंसला बनाती हैं. रैबिट्स मेक्स होल्स इन द ग्राउंड कॉल्ड ब्यूरोज. और रैबिट्स क्या करते हैं? कहीं भी जगह की जगह में अपना लंबा सा गड्ढा खोद के एक अपना घर बनाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड ब्यूरोज. उन्हें क्या बोलते हैं? ब्यूरोज बोलते हैं. हनी बीज लेवा हाई हाइव विच लोकेटेड ऑन ट्रीज. और हनी बीज क्या करती हैं, मतलब मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? वे भी अपने पेड़ों पर एक छत्ता बनाती हैं. आप सबने देखा होगा कि जो हनी बीज होती हैं उनका छत्ता बना होता है पेड़ों पर, सबने देखा होगा. स्नैक्स एंड रैट्स लिव इन होल्स विच आर डग इन द ग्राउंड. जैसे कि हनी बीज अपना छत्ता बनाती हैं, ऐसे ही क्या होते हैं स्नैक्स, जैसे कि सांप होते हैं, रैट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? हमारे ज़मीन के नीचे गड्ढा खोदते हैं और वहाँ पर होल्स बना के रहते हैं. ओके, तो वहाँ पे क्या करते हैं? ये होल्स बना के रहते हैं. देयर आर सम पिक्चर्स ऑफ देयर होम्स. फर्स्ट इज़ नेस्ट, सेकेंड इज़ बी एंड हाइव, मतलब
फर्स्ट में आपको दिख रहा है कि बर्ड्स अपने घोंसले में रह रही है, सेकंड में बीज अपने छत्ते के पास रह रही है, और थर्ड में रैबिट अपने ब्यूरो के साथ है जहाँ पे वो रैबिट रहता है. ओके, नाउ इट हैज़ फिनिश्ड नाउ. ओके, थैंक यू.